एयर इंडिया का दूसरा विमान 321 भारतीय नागरिकों को चीन के वुहान शहर से लेकर आज दिल्ली पहुंचा। अब तक कुल 645 भारतीयों को सुरक्षित लाया गया भारत। उप मुख्यमंत्री चौटाला ने केंद्रीय बजट की तारीफ की, कहा बजट में किया गया सिंचाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास। लिंगानुपात में सुधार के लिए सिरसा जिले में चलाया जा रहा है विशेष अभियान, सीएमओ ने कहा लिंग जांच को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। और सूरजकुंड मेला अपने दूसरे दिन भी पर्यटकों को लुभाने में रहा सफल, अलग अलग प्रदेशों से सैलानी पहुंच रहे हैं मेला देखने। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा, अब समाचार विस्तार से। चीन के वुहान शहर से 321 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा विमान आज सुबह दिल्ली पहुंचा। कोरोना वायरस से प्रभावित चीन से अब तक एयर इंडिया ने कुल 645 भारतीयों को चीन से सुरक्षित निकाला है। चीन के वुहान शहर से 324 भारतीय शनिवार को एयर इंडिया के पहले विमान से भारत वापस आ गए, जिसमें से 104 लोगों को आईटीबीपी छावला कैंप और 220 लोगों को मानेसर में रखा गया है। चीन की यात्रा करने वाले केरल के एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आज पुष्टि होने के साथ ही भारत में इस बीमारी का दूसरा मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित पाया गया है और उसे अस्पताल में अलग कमरे में रखा गया है। उन्होंने बताया कि मरीज की हालत स्थिर है और उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज जिला जींद मुख्यालय पर दीन बंधु सर छोटूराम के जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय बजट को बेहतर करार दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में सिंचाई प्रणाली को व्यवस्थित रखने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके सांसद रहते राखी गढ़ी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग रही थी, जिसका वित्त मंत्री ने अपने इस बजट में विशेष ध्यान रखा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये एक बेहतर कदम है। मैंने कि राखी गढ़ी की धरोहर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, मुझे लगता है वित्त मंत्री ने जिस प्रकार से स्पेशली राखी गढ़ी का नाम लेकर उसको नेशनल इम्पोर्टेंस की साइट डिक्लेयर करने की बात करी है, आने वाले समय में केवल मात्र राखी गढ़ी जींद हो, हिसार हो, रोहतक हो, तीन जिलों के लोगों को जहां टूरिज्म के अंदर भी बढ़ोतरी मिलेगी, वहीं हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इतिहास है दुनिया के अंदर, उसको भी हमें पहुँचाने को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज उजाना के करसिंधु गांव में पहुंचे। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2250 रुपए करने का काम किया है। भविष्य में इस पेंशन को 5100 रुपए करने का काम प्रदेश सरकार करेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उजाना खुर्द गांव में 20x20 गज की जगह होंडा कंपनी को दे दी गई है, जिसमें कंपनी द्वारा लैब बनाई जाएगी और लैब में वो ही ट्रेनिंग दी जाएगी जिसकी जरूरत होंडा कंपनी को है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल में भी शिक्षा का स्तर शहरों में मिलने वाली शिक्षा के बराबर किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ग्रामीण अंचल में शिक्षा के सुधार की जरूरत है, ताकि ग्रामीण अंचल के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। और परसों उसका फाइनल प्रपोजल आ गया कि अपनी आईटीआई जो चाणा के अंदर है, उसके अंदर 20x20 जगह हमने होंडा कंपनी को दे दी कि होंडा कंपनी आकर अपनी लैब लगाने का काम करेगी और डायरेक्टली उस लैब में ट्रेंड बच्चों को फैक्ट्री में नौकरी देने का काम करे। और बारी बारी कहते हैं कि कम बढ़ाई कहते हैं, नहीं कहते है। जितने बूढ़े बैठे हैं 2000 बढ़िया थे, 2250 बढ़िया, और अभी तो 2250 60 दिन में दे दिए 250। ये तो शुरुआत है, जो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, और मैं तो निरंतर कहता था इसको 5100 पे पहुंचाने का काम आपकी सरकार आने वाले।
सिरसा जिले में लिंग अनुपात में इस बार काफी सुधार देखने को मिला है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेटों से ज्यादा बेटियों ने जन्म लिया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 में 1000 लड़कों के पीछे 1057 लड़कियों ने जन्म लिया है, जबकि जनवरी 2019 में ये आंकड़ा 1000 लड़कों के पीछे 920 लड़कियां रहा था, जिसके चलते सिरसा जिला प्रदेश भर में लिंगानुपात में 11वें स्थान पर पहुंच गया है। सिरसा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ गांवों का चयन किया गया है जहां लिंग अनुपात काफी कम है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाके में विभाग के कर्मचारियों को और सुधार लाने के निर्देश भी जारी किए हैं। सिरसा स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर वीरेश भूषण ने कहा कि जिले में लिंग जाँच को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिंग जाँच के लिए अगर कोई भी सूचना मिलती है तो स्वास्थ्य विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। पूरी स्टेट के अंदर 20वें 21वें नंबर के ऊपर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी तेज़ी से काम किया गया है और हमने कई जगह रेड्स भी की हैं, तो इसका परिणाम देखने में आया कि दिसंबर की हमारी जो सेक्स रेशो आई थी मंथ की वो 1057 थी और जो हमारा अब टोटल है वो 920 पे पहुंच गया है और हम 20वें रैंक से उठ के हम 11वें रैंक तक पहुंच गए हैं। इस बारे में शिक्षिका सीमा रानी का कहना है कि आज के समय में समाज में बहुत सुधार आया है, आज लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे हैं। पहले से तो काफ़ी सुधार आया है, पहले ऐसे था, लेकिन आजकल जो है लोगों का जो है सोच में परिवर्तन आया है। आजकल के लोगों को पता चल गया है कि जो नर नारी दोनों बराबर हैं, समाज के जो रथ के पहिए हैं दोनों, और यहाँ तक कि जो 1000 जो लड़के हैं उनके पीछे जो जन्म दर अनुपात है वो लड़कियों की यहाँ पर 1057 है, तो लोगों की सोच में काफ़ी परिवर्तन आ गया और जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो घटनाएँ अब उनमें भी काफ़ी परिवर्तन है। और अगर 34वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला अब अपना रंग पूरी तरह से बिखेर रहा है। आज पहले रविवार के दिन मेले में लोग फरीदाबाद से ही नहीं, दिल्ली और राजस्थान से भी मेला देखने के लिए पहुंचे। कला प्रेमी मेले की सजावट को देखकर प्रभावित दिखाई दिए। राजस्थान से मेला देखने आई महिला ने बताया कि वह इससे पहले भी एक बार मेला देखने आई थी, इस बार फिर से उन्हें मौका मिला है। उन्हें मेले में हिमाचल थीम का फैसला बहुत पसंद आया है, अलग अलग प्रकार की हस्तशिल्प कला काफी आकर्षित है। बहुत बढ़िया, हर शॉप से लग रहा है कुछ ना कुछ खरीद ही लो, रुका नहीं जा रहा। हर बार सोचते हैं हम निकल लेंगे सीधे बाहर, पर फिर रुक जाते हैं। नहीं, हिमाचल का वो डांस परफॉर्मेंस हो रहा था जब हम आ रहे थे हिमाचली, बहुत बढ़िया था। वो येलोस में थे गेटअप में बच्चे लड़कियां। वहीं दिल्ली से पहुंची एक महिला ने बताया कि वह हर वर्ष सूरजकुंड मेले का आनंद उठाने आती हैं। उन्हें ये मेला बहुत पसंद है और हर साल मेले में अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति देखने को मिलती है। बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम पहले दिन ही पहले दिन आए, इससे पहले आए हम। हाँ, मैं हर बार अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। हिमाचल गए हो? हाँ, कई बार, काफी गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज रोहतक में आर्य महासम्मेलन में शिरकत की। इस महासम्मेलन का आयोजन आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आर्य समाज के महत्व पर प्रकाश डाला। इसी के साथ उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशाखोरी पर भी चिंता जताई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 18 फरवरी को चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी विधायकों का एक समारोह होगा, जिसमें इन विधायकों को महर्षि दयानंद के विचारों से अवगत करवाया जाएगा। वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि आर्य समाज ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन किए हैं। उन्होंने मौजूदा समय में आर्य समाज का प्रचार गांव-गांव तक करने की बात कही। हाँ, देखिए, अभी हमने चूँकि प्री बजट डिस्कशन के लिए सभी विधायकों को 17 तारीख को बुलाया हुआ है, इसलिए 18 तारीख को हम सब इकट्ठे हैं। उस दिन एक विषय हमने सबके सामने रखा कि महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी की बजाय अगर उनकी शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करना हम शुरू करेंगे, तभी महापुरुषों के जीवन को हम एक प्रकार से, जो हमारे बीच में महापुरुष अब नहीं रहे हैं, तो उनकी अमरता को और ज़्यादा दृढ़ता से हम लागू कर पाएंगे। और स्वामी दयानंद जी का जन्म जयंती दिन 18 फरवरी को है। अरे, ANI साइड में विधायकों के बीच में ही चर्चा करेंगे और इसी प्रकार से प्रदेश भर में जो हमारे शिक्षण संस्थान विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी कोई ना कोई कार्यक्रम इनका होना चाहिए। आर्य समाज ने जिन्होंने आंदोलन किए वो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ किए। उस समय बेटियों को नहीं पढ़ाते थे स्वामी श्रद्धा
जालंधर में पुत्री पाठशाला की स्थापना हुई और एक बेटियों की पढ़ाई का अभियान चलना शुरू हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोपूर्णा निधि नामक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक के माध्यम को पढ़कर गौशालाओं की स्थापना हुई और गोमाताओं की रक्षा का अभियान आर्य समाज के सौजन्य से चला। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले 40 दिनों से धरने पर हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि सरकार शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये नियमों के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार उनसे संवाद कर CAA के प्रति उनके सारे संदेहों को दूर करने के लिए तैयार है। हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार तेजाब से हमलों पर नियंत्रण के लिए जिले में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि तेजाब की बिक्री का विक्रेता द्वारा पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाए। उन्होंने बताया कि तेजाब की बाजार में खुली बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तेजाब की बिक्री करने वाले ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो बिक्री का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। ऐसा करने वालों पर एसिड का स्टॉक जब्त करते हुए उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि विक्रेता द्वारा रजिस्टर बनाकर प्रत्येक खरीदार का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। खरीदार को तेजाब बिक्री से पहले सरकार द्वारा जारी ऐसा पहचान पत्र देखा जाना अनिवार्य है जिस पर उसका पता वर्णित हो। रजिस्टर में एसिड खरीदने का कारण व उद्देश्य भी लिखा जाना अनिवार्य है। मौसम में आए बदलाव की वजह से आम जन के लिए परेशानियां दोबारा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सुबह और रात में बढ़ते कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले सप्ताह मौसम के साफ होने और अच्छी धूप निकलने से लोगों को सर्दी और भारी धुंध से राहत मिली थी, लेकिन बदलते मौसम के चलते जनजीवन दोबारा प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। वाहन चालकों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ज्यादा धुंध के कारण उन्हें थोड़ी दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं देता, जिस कारण उन्हें वाहन चलाने में काफी परेशानी हो रही है। 5 फुट तक दूर दिखता जी, बहुत आराम से आते हैं। गन्ने का आगे पीछे एक्सीडेंट का बहुत डर रहता है। कभी अभी इसी धुंध में क्या दिखेगा, बहुत किसान को बहुत ज्यादा तंगी है। तो किसान क्या करेगा बेचारा, आना भी पड़ता है। बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही है, बहुत दिक्कत आती है। 10-11 बजे धुंध उतरती है, बहुत दिक्कत घनी दिक्कत आ रही है जी। कुछ नहीं दिखता, निरे एक्सीडेंट हो जाते हैं, निरे ट्रैक्टर के भी नुकसान हो गए। बहुत मजबूरी हो रही है, लेना पड़ता है गन्ना भी, क्या करते हैं, कोई मजबूरी है तो सरदा नहीं है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट को गरीब हितैषी और भविष्य के अनुकूल बताया। उन्होंने कहा कि ये एक बेहतर बजट है जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में जीवन सुगमता को 3 प्रमुख विषयों के रूप में रेखांकित किया गया है, जिनमें एक कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास है, तो दूसरा आरोग्य, जल और स्वच्छता है, जबकि तीसरा शिक्षा और कौशल है। उन्होंने कहा कि बजट में किसान लाभार्थियों को KCC योजना के तहत लाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना को और विस्तार देने की बात की गई है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस बजट से सहकारी संस्थाओं और कॉरपोरेट क्षेत्र के बीच समानता लाने की कोशिश की गई है। वहीं प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी बजट के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बजट 2020 में नारनौंद में स्थित राखीगढ़ी को प्रतिष्ठित दर्जा और अनुदान देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक धन्यवाद। राखीगढ़ी की दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान होना मेरे लिए एक सपने के साकार होने जैसा है। भारत ने अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। एयर इंडिया का दूसरा विमान 321 भारतीय नागरिकों को चीन के वुहान शहर से लेकर आज दिल्ली पहुंचा। अब तक कुल 645 भारतीयों को सुरक्षित लाया गया भारत। उप मुख्यमंत्री चौटाला ने केंद्रीय बजट की तारीफ की, कहा बजट में किया गया सिंचाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास। लिंगानुपात में सुधार के लिए सिरसा जिले में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। CMO ने कहा लिंग जांच को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त।
पार सूरजकुंड मेला अपने दूसरे दिन भी पर्यटकों को लुभाने में रहा सफल। अलग अलग प्रदेशों से सैलानी पहुंच रहे हैं मेला देखने। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।